तो गाइज मैं आपके साथ इस सेट का रिव्यू करने जा रही हूँ इस वीडियो में, और ये वाली वीडियो मैंने हिंदी में बनाई है ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके अगर आप ये सेम पीस ख़रीदना चाहते हैं। एंड बहुत दिन हो गया था मुझे कोई हिंदी वीडियो बनाए हुए, तो मैंने सोचा आज हिंदी में बात कर लेते हैं। तो ये जो सेट है ये मैंने अमेज़ॉन से लिया है, और मैं इसमें एक क्लिप इंसर्ट कर दूँगी जिस पर मैंने ये सेट पहन रखा है, एंड आपको एक अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा कि ये सेट कैसा लगता है मुझ पर। एंड मैं सेलर का नेम एंड लिंक मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी। तो ये जो मुझे पड़ा था ये समवेयर अराउंड मुझे 399 से 450 तक में आपको ये बहुत आराम से मिल जाएगा, और इसमें आपको ये एक चोकर मिल जाता है इस तरीके का, और आपको इसमें दो ईयरिंग्स मिल जाती हैं इस तरीके की ईयरिंग्स है, और मैंने एक्चुअली फ्लैश ऑन किया हुआ है, मैं आपको फ्लैश ऑफ करके भी दिखा देती हूँ। हाँ जी, तो अब आप देखिए इनकी जो क्वालिटी है वो कुछ इस तरीके की है। काफ़ी सुंदर से यहाँ पे बीड्स लगे हुए हैं, पर्ल्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे ये स्टोन का कुंदन का वर्क हुआ पड़ा है। एंड इसमें अगर आप देखेंगे तो छोटे 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 इसमें बीड्स भी लगे हुए हैं जो कि काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में। इसका दूसरा ईयरिंग भी इसी तरीके का है, बहुत ही काफ़ी सुंदर है, बट इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, आपने मुझे पहनते हुए देखा होगा। अगर आपका फेस मेरे जैसा है तो आपको ये इतना सूट नहीं करेगा, क्योंकि मुझे ये अपने फेस के अकॉर्डिंग थोड़े छोटे लगे। अगर आपका फेस थोड़ा छोटा है मुझसे तो आप पे ये बहुत सुंदर लगेगा। अब बात करते हैं इसके चोकर की। चोकर दिखने में बहुत प्रिटी है, बहुत ही सुंदर से इसके अंदर काम हुआ पड़ा है, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ब्लिंगी है ये, रियल लाइफ में भी बहुत ब्लिंगी है ये, सिर्फ और सिर्फ फ्लैश की वजह से ब्लिंगी नहीं दिख रहे, बट ये रियल लाइफ में बहुत ब्लिंगी है। एंड आपका ये, अब मांग टीका भी देख लेते हैं, तो मांग टीके में भी इस तरीके के छोटे 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 मोती लगे हुए हैं जो कि काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में इस तरीके से। और फिर वही बात है, मांग टीके का भी लेंथ मुझे, मतलब ये काफ़ी छोटा लगा मुझे, लाइक अगर आपका माथा बहुत चौड़ा है मेरे जैसा तो आप पे ये उतना सूट नहीं करेगा। अब बात करते हैं नेकलेस की, जो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, एंड मैंने रिव्यू में भी यही लिखा है, अमेज़ॉन का रिव्यू जब जब मैंने डाला था इसका तो मैंने ऐसे ही यही लिखा था कि अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर आप देखेंगे, आई डोंट नो अगर आपको दिख रहा है या नहीं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ना, ये जो इंटरलॉक मतलब जिससे ये नेकलेस जुड़ा हुआ है, अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर ये धागा दिखेगा आपको, दिस इज़ अ धागा। हाँ हाँ जी, तो ये धागा है, तो धागे के थ्रू इसको ज्वाइन कर रखा है नेकलेस को, यानी इस पूरे नेकलेस में जो ये ज्वाइनिंग आपको दिख रही है, सो ये थ्रेड के थ्रू ज्वाइन किया गया है जो कि बहुत ही डेलिकेट है। आपने अगर इसको थोड़ा सा भी मिसहैंडल किया, अगर आपने ढंग से इसको बिल्कुल नहीं पहना, तो ये बहुत ही जल्दी टूट जाएगा और फिर पैसे सारे वेस्ट हो जाएंगे। और ये इयररिंग में भी ऐसा ही है, जो यहाँ पे वर्क हो रखा है उसको ज्वाइन करने के लिए इन्होंने धागे का यूज़ किया है। पीछे से भी दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए धागा आपको यहाँ पे बड़े आसानी से दिख जाएगा, एंड जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। डिज़ाइन काफ़ी सुंदर है, एंड चोकर की क्वालिटी भी सही है, अच्छी है, और मुझे ये पैक होके इस तरीके से आया था, इस तरीके के रैपर में मिला था मुझे, और ये इस तरीके का बबल रैप में आया था। ठीक है, पैकेजिंग ठीक है, एंड सब कुछ अच्छा है। मैं इसे यहाँ पे क्लिप डाल दूंगी, अब देखना मुझे कि कैसा लगेगा। तो मैं एक और ज्वेलरी अनबॉक्सिंग के साथ आ गई हूँ, एंड क्योंकि आजकल कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड चल चुका है ऑनलाइन ज्वेलरी शॉपिंग का, तो मैंने भी सोचा कि मैं ज़रूर इसी ट्रेंड को आगे रखते हुए कुछ शॉप करूँ और ऑनलाइन शॉप करूँ। एंड काफ़ी इजी हो जाता है ऑनलाइन शॉप करना, आपको ड्रेसअप होके बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंड इससे पहले मैंने कभी ज्वेलरी ऑर्डर नहीं करी है ऑनलाइन, स्पेशली अमेज़ॉन से तो मैंने कभी कुछ नहीं ऑर्डर किया था ज्वेलरी में, बट मैंने
पहली बार ज्वेलरी ऑर्डर की थी, जो एक नेकलेस का मैं रिव्यू आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ और मैं आज ये वाला नेकलेस शेयर करूँगी। तो ये वाला जो नेकलेस है ये पियोरा फैशन ज्वेलरी की तरफ से है एंड मैंने कुछ पीसेस देखे हैं, कुछ एक्सपेंसिव पीसेस भी देखे हैं इसी ब्रांड के अमेज़ॉन पे। मैंने ये अमेज़ॉन से लिया था एंड ये मुझे कुछ 500 का पड़ा था। मैं एग्जैक्ट प्राइस मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे। एंड मुझे ये देखते के साथ ही इतना सुंदर, इतना एलिगेंट लगा था और कुछ नया लगा था। लाइक वो सेम यूजुअल कुंदन या जो मोती टाइप का पर्ल टाइप की फिनिश में नेकलेस होता है उस तरीके का मुझे नहीं लगा। एंड और ये इस तरीके से एक प्लास्टिक बॉक्स में आया था जो कि बहुत मुझे अच्छा लगा, जो कि मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई इसके पैकेजिंग से। एंड जब मैंने इसको ओपन किया तो ये मुझे ये नेकलेस मिला है एंड बहुत ही सुंदर एलिगेंट सा लुक आ रहा है इस नेकलेस का। लाइक मुझे तो बहुत सुंदर लगा क्योंकि ये नेकलेस इतना सुंदर है, आप इसको वेस्टर्न के साथ भी पहन सकते हैं। कोई गाउन वाउन पहन रहे हैं तो उसके साथ भी ये बहुत अच्छा लगेगा। ये टिपिकल वाली इंडियन ज्वेलरी होती है ना, वो उस तरीके की नहीं है। एंड इसकी क्वालिटी बहुत सुंदर है, आप इसके अंदर देखेंगे मल्टी कलर आपको स्टोन्स मिलेंगे और स्टोन की क्वालिटी भी बहुत सुंदर है। मैं आपको फ्लैश ऑफ करके दिखा देती हूँ। एंड स्टोन की क्वालिटी, ये मेरी नॉर्मल ट्यूब लाइट है तो इसमें देखिए आप स्टोन की क्वालिटी इतनी शाइनी, इतनी बहुत ही सुंदर लगा मुझे ये पीस एंड कुछ हटके लगा। आपको आप इसको किसी भी कलर की साड़ी के साथ पहन सकते हैं, ये सब पे सूट करेगा। एंड इसके इयर रिंग्स इतने सुंदर, इतने प्रिटी और मेनली मुझे एक सेकेंड मुझे ये इसलिए अच्छे लगे क्योंकि ये बहुत ही सुंदर से डेलिकेट से हैं इयर रिंग। आपको बहुत ओवर द टॉप नहीं लगना, आपको बहुत सिंपल कुछ क्लासी सा पहनना है तो आप ऐसा पहन सकते हैं। कोई फॉर्मल डिनर पे जाना है या कहीं जाना है तो आप इसको ज़रूर पहन के जा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही सुंदर लगेगा। मैं क्लिप डाल दूँगी अपने इसको पहन के, इस ज्वेलरी आइटम को। एंड सबसे अच्छी खास बात मुझे इस नेकलेस की ये लगती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये इतने सुंदर से रैप होके आया है और ये मतलब इसमें कोई एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्जेस मुझे नहीं देने पड़े। और इस जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखी तो मैं ऊपर लिंक कर दूँगी जो मैंने लास्ट नेकलेस अनबॉक्स किया था। तो इसमें जो है ना कोई धागे का वर्क नहीं है, ये बहुत ही अच्छे से बहुत स्टर्डी नेकलेस है, बहुत ज़्यादा डेलिकेट नहीं है जैसे वो पुराने वाला था। तो उसकी प्राइसिंग के हिसाब से ही मुझे बहुत अच्छा लगा एंड इसकी शाइनिंग क्वालिटी इट्स जस्ट अमेजिंग। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग विच इज़ वेरी स्वीट स्लीक सा हो, बहुत ज़्यादा चटैक सा ना हो एंड आपको अच्छा लगे। और एक चीज़ और, ये देखिए इसमें एक टैसल भी दिया हुआ है इस तरीके से एंड में, तो ये बहुत सुंदर लगेगा। तो आई होप कि आपको ये अनबॉक्सिंग अच्छा लगा हो। एंड अगर आपको ऐसे अनबॉक्सिंग वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, वो भी हिंदी में मैं ये वीडियोज़ बनाऊँगी ताकि अगर आप अमेज़ॉन से कुछ ख़रीदना चाहती हैं तो आप ऐसी वीडियोज़ को ले सकती हैं। एंड मैंने ये पर्टिकुलर पीस किसी को अनबॉक्स करते हुए नहीं देखा तो आपको इससे हेल्प मिल सकती है। तो मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। एंड मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगली कौन सी वीडियो देखनी है।